दोस्तों, मैं विभा आपका आपके चैनल फ्लेवर फीस्ट 24x7 में स्वागत है। आज हम आपको रवा के लड्डू बनाना दिखाएंगे, जो कि हमारा मेजरमेंट इस तरीके से है। ये हमारी 1 किलो शकर है और ये मेरा 1 किलो सूजी है। रवा आप खुला भी ले सकते हैं, हमने पैकेट लिया है। ये मेरा 300 ग्राम खोया है, ये गर्री है कद्दूकस की हुई, आधा गोला है गर्री का। ये हमारे 15 पीस काजू है, 15 पीस बादाम है और ये 10 पीस पिस्ता है। आप कोई भी मेवा यूज कर सकते हैं, बिना मेवा के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं इसमें। अब हम आपको आगे प्रोसेस की तरफ ले चलते हैं। इस तरीके से हम एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर देते हैं। एक बड़ी टीस्पून हम घी डाल देंगे, बहुत घी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप घी डाल दें। अब हम इसमें अपना 1 किलो जो मेरा रवा है वो हम सब डाल देंगे। यदि आपके पास पैन छोटा है तो आप 2 बार में इसको डाल के फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेंगे। धीमी फ्लेम पर ही आप इसको भूने। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए आप, हमारा भूनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, फिर आगे बताते हैं आपको। अब हम इसमें अपना ये जो खोया है हमारा उसको हम डाल देंगे। हल्का सा खोया भूनने के बाद में इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। यदि आपका खोया टाइट है, मतलब कड़ा है, तो आप उसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी गुलथियाँ खत्म हो जाएं। थोड़ा सा आप पानी या दूध जो भी आप डालना चाहें वो डाल करके इसको आप भून देंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा खोया मेल्ट हो चुका है। और अब हमारी जो ये चीनी है उसको हम इसमें डाल देंगे। इसकी चाशनी थोड़ा पतली ही रखेंगे, इसलिए आप इसमें 1 ग्लास करीब पानी डाल दीजिए, क्योंकि जब सूजी डालेंगे तो सूजी अपने आप ही सब इसको खींच लेगी फूलने के लिए। तो इसमें जो चाशनी है थोड़ा पतली ही रखेंगे। अब ये हमारा जब बनकर खोया और शक्कर की चाशनी तैयार हो जाएगी तब हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। हमारी जो मेवा है आप चाहे तो रोस्ट कर सकती हैं, लेकिन हमने नहीं किए, हमने डायरेक्ट उसको काट करके डाला है। आप चाहे तो रोस्ट भी कर सकते हैं। अब इसको हम चाशनी बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी चाशनी और खोया खौलने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। अब बस इसको हम 2 मिनट तक और उबालेंगे। इसमें तो हल्का सा चाशनी में एक चिपचिपाहट सी आ जानी चाहिए। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, वरना ये लड्डू या जो हम बर्फी जमाएंगे वो सख्त हो जाएगी। अब इसमें हम ये सारी मेवाएं डाल देंगे जो भी हमारी है। ये आप सब इस तरीके से डाल दीजिए। इसको ठीक से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अब हमारा बनकर रेडी हो गया है। बस 1 तार की ही चाशनी है लगभग, बस इतना ही आप रखिए, थोड़ा सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें आप रवा डालती जाइए और इसको मिक्स करते जाइए इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा डालती जाए, एकदम से पूरा ना डालें, पूरा डालने में गुलथी बन सकती है इसमें। ये देखिए हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। हाई फ्लेम पर इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे ठीक से। ये देखिए, यदि हमको कतली जमानी है तो इसको हम इसी प्रोसेस पर जमा देंगे थाली में, और अभी लड्डू बनाने हैं तो हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद लड्डू बनाएंगे। ये सूजी अपनी पानी खींचेगी ना भी तो ये और सख्त हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, कतली जमाने के लिए एक थाली लेंगे और उसमें इस तरीके से आप ऑयलिंग कर दीजिए, इस तरीके से ग्रीसिंग कर दीजिए, जिससे आपकी कतली चिपके ना नीचे। गैस ऑफ कर दीजिए। इस तरीके से हम कतली को जमाएंगे।
आप देख सकते हैं कतली बनाने के लिए हमने थाली में जमा दिया है, ये देखिए आप। और इसको हम ढक करके रख देंगे क्योंकि इतना गर्म बन भी नहीं सकता है, दूसरी बात इसमें थोड़ा सूजी सख्त हो जाए, इसलिए हमने इसको लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाए इसलिए हमने ढक दिया है। अब हम 5 मिनट बाद देखते हैं इसके लड्डू बनाने के लिए। अब हम इस पैचुला से इसको ठीक से इस तरीके से प्रेशर डालते हुए इसको सही कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ठीक करने के बाद में इसमें हम जो भी गार्निश करने के लिए मेवा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हमने छोटी छोटी मेवा क्रश की है इसलिए क्योंकि ये जिससे इसमें दब कर ठीक से पकड़ ले इसको। आप कुछ भी डाल सकती हैं, आप गर्री है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। आप बिना मेवा का भी बना सकते हैं, मेवा से भी बना सकते हैं। ये आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, जब हम कतली काटेंगे तो ये मेवा हमारी गिरेगी नहीं। आप देखिए ये लड्डू के लिए हमने तैयार कर लिया है, ठंडा भी हो गया है, हमारे लड्डू काफी सॉफ्ट बनेंगे। आपको अगर सख्त ज्यादा बनाने तो आप थोड़ा चाशनी और सख्त कर दें, लेकिन हमें जिस उस मेजरमेंट से बनाने थे उस मेजरमेंट से हमने आपको बताया है। अब आप क्या करें, हाथ में इस तरीके से ऑयल या घी जो भी आप चाहें वो लगा करके और इस तरीके से लड्डू बना लें। ये देखिए आप कितना अच्छा लड्डू हमारा बन रहा है। और आप ज्यादा सख्त कर देंगे तो लड्डू भी सख्त हो जाएगा और बांधने में भी आपको दिक्कत होगी। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाएंगे, आप छोटा बड़ा जिस टाइप से चाहें बना सकते हैं। किसी दिन हम आपको बिना खोए के लड्डू बनाकर दिखाएंगे रवा से। ये देखिए अब इसी तरीके से हम सब लड्डू बना लेंगे। देखिए आप हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये काफी मतलब आप आवाज सुन सकते हैं, ये काफी मतलब ठीक से बन गए हैं। आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे, आपको ज्यादा सख्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी सही बने हुए हैं। पानी है, शक्कर है, सब बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। अब हम कतली काट के दिखाते हैं, इस तरीके से हम सब काट लेंगे। ये जितना लड्डू सख्त है इतना ही कतली भी हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि अभी गीलापन है इसमें, वो अभी गर्म भी है थोड़ा इसीलिए आपको लग रहा है। इसी तरीके से पूरा काट लीजिए। देखिए हमने पीसेस काट लिए, अब आप देखिए इसको हम निकाल देते हैं इसमें से। ये देखिए आप बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, आप इसी तरीके से सब बना लीजिए। आज का हमारा वास्तु टिप है, यदि आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप गुस्सा करते रहते हैं, तो आप क्या करें, यदि आपके घर में मनी प्लांट है तो आप उसके पास बैठ जाइए एकदम शांत मन से, और मनी प्लांट के पत्ते एक एक करके खूब ठीक से उनको देखें नजर भर करके। यदि आपके पास तोता पला है तो आप पक्षी पले हैं कोई भी आपके पास है तो आप उसको उछलते कूदते उसके साथ बातें जरूर करें, इससे आपका डिप्रेशन भी कम होगा और आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इस टिप को जरूर आजमाइए। थैंक यू।